फटाफट खबरों की। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों को बेड्स की तादाद बढ़ाने के निर्देश। 9 सरकारी अस्पताल बढ़ाएंगे 1000 कोरोना रिजर्व बेड्स की संख्या। यूपी में 11वीं 12वीं के स्कूल बंद, छात्र ऑनलाइन करेंगे पढ़ाई, सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए ही छात्रों को जाना होगा स्कूल। ओडिशा में 7 जनवरी से 1 फरवरी तक 12वीं क्लास के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, 10वीं और 12वीं की चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस। मध्य प्रदेश में जारी की गई कोरोना की दूसरी गाइडलाइन, मकर संक्रांति पर लगने वाले मेलों पर रोक, पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी। रायपुर में लगा नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदियां। दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी खतरनाक स्पीड, दिल्ली में आज मिले 10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 8 की मौत। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 10% तक पहुंच गया है, सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में 5वीं लहर। ट्रीटमेंट देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास, जो शाम तक बुलेटिन अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा। दिल्ली में लागू हुई बदली हुई गाइडलाइंस, बसों में 100% क्षमता के साथ सफर। दिल्ली में कोविड गाइडलाइंस में बदलाव किया गया है, 14 की बजाय 7 दिन तक ही होम आइसोलेशन की जरूरत। मुंबई में तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है, कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि नहीं लगाया जाएगा पूरा लॉकडाउन, बढ़ेंगी पाबंदियां। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से ज्यादा केस, ओमिक्रॉन से 653 बीमार। मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर पर एक कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया है, 31 कर्मचारियों का टेस्ट कराया गया था। बच्चों के वैक्सीनेशन ने छुआ जादुई आंकड़ा, टीकाकरण 1 करोड़ के पार। बंगाल में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा मामले, कोलकाता में 4,000 से ज्यादा केस। कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में कोरोना की दहशत, 13 लोग पॉजिटिव। मुंबई में कोरोना का विस्फोट हुआ है, ड्राइवर सहित 60 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गायक सोनू निगम और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, दोनों दुबई में हैं। बिहार में 1,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, पटना में बिगड़े हालात, 1 मरीज की मौत। नीतीश सरकार की कैबिनेट में कोरोना की एंट्री, 4 मंत्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री भी कोरोना के चपेट में हैं, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद ने दी जानकारी। नीतीश कैबिनेट के मंत्री सुनील कुमार और अशोक चौधरी पॉजिटिव, कैबिनेट की बैठक में नहीं हुए शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री निवास के 177 कर्मचारियों में से 38 कोरोना पॉजिटिव, जनता दरबार और समाज सुधार अभियान स्थगित। बिहार के मधेपुरा में एक बुजुर्ग का दावा, ले चुके हैं वैक्सीन की 11 डोज। राजस्थान में 8वीं तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद, 55 साल के ऊपर और गर्भवती महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम। राजस्थान में एक दिन में मिले 62 नए मरीज, अकेले जयपुर में 52 संक्रमित। गोवा में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार, 8 और नए ओमिक्रॉन के मामले। रांची के रिम्स अस्पताल में 170 से ज्यादा स्टाफ संक्रमित पाया गया है, 1400 लोगों का टेस्ट हुआ था। झारखंड में कोरोना की रफ्तार हुई तेज, 3,553 नए मरीजों से हड़कंप। शिवराज कैबिनेट के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कोरोना संक्रमित, घर में आइसोलेट। सागर में भी बढ़ रहे कोरोना के केस, 15 लोग पॉजिटिव। सौरव गांगुली की बेटी सना गांगुली कोरोना पॉजिटिव, पत्नी डोना की रिपोर्ट नेगेटिव। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई कोरोना की एंट्री, 3 जजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिला परिषद हाई स्कूल के 20 छात्र पॉजिटिव निकले। पंजाब के फिरोजपुर जिले में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक, अचानक से रुक गया काफिला। गुस्से वाली से 30 किलोमीटर पहले रास्ते पर प्रदर्शन कर रहे थे लोग, करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे प्रधानमंत्री। बिना आगे बढ़े वापस लौट आए प्रधानमंत्री, भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों को कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। पहले हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे प्रधानमंत्री, उनका कार्यक्रम तय था लेकिन बारिश की वजह से सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर सियासी बवाल, बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, लिखा हम ऐसी घटिया मानसिकता को पंजाब की तरक्की में नहीं बनने देंगे बाधा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का आरोप, घटना के पीछे चन्नी सरकार की साजिश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम की सुरक्षा में चूक पर भड़क गए, उन्होंने कहा कि देश से माफी मांगी पंजाब सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा कांग्रेस और गांधी परिवार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ में नहीं छोड़ी कोई कसर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मांगी चन्नी सरकार से इस्तीफा मांगा है और कहा है कि राज्य में लागू हो राष्ट्रपति शासन। बिहार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जो किया वो क्षमा लायक नहीं। किसी पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं की होगी जो आज कांग्रेस पार्टी ने की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी घटना पर भड़के, कहा जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान और परेशान करने वाला। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा भीड़ नहीं आई तो बहानेबाजी की जा रही है। फिरोजपुर की घटना पर हरियाणा कांग्रेस का ट्वीट, लिखा दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के प्रधानमंत्री को 200 लोग भी सुनने नहीं आए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक स्वीकार नहीं, पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले पर सीएम चन्नी बोले कि प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे प्रदर्शनकारी किसान, रात को रास्ता कराया था साफ, अचानक फिर आए किसान। प्रधानमंत्री का पूरा सत्कार कर दे, सड़कां ते बैठे सीएम है, उन्होंने उठाया। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर सीएम चन्नी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लौटने का खेद है हमें। वादा आने करके वो वापस मुंडा पिया, उस गल दा सानू खेद है। पंजाब सरकार पर केंद्र का बड़ा आरोप, सरकार के सूत्रों की खबर, पंजाब पुलिस और तथा कथित प्रदर्शनकारियों की मिलीभगत। केंद्रीय मंत्रियों का सवाल, सिर्फ पंजाब पुलिस को ही थी प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी, पुलिस का ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का सोनिया गांधी पर आरोप, कहा पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही है कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर के बाहर पंजाब के शिक्षकों का प्रदर्शन, हाथ में गुलाब लेकर जताया विरोध। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की रखी गई आधारशिला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह मौजूद, सीएम योगी भी शामिल। लखनऊ में सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, 55 अस्पतालों की आधारशिला रखी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, वर्चुअली लोगों को किया संबोधित। यूपी के संबल में ओवैसी के रैली, बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले मुझे सेक्युलरिज्म ना सिखाएं। मुझे आकर सेक्युलरिज्म की का पाठ पढ़ाते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं मुझे अपना पाठ मत दो, मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थापित होगा खाद्य प्रसंस्करण और रसद केंद्र, सरकार ने लूलू ग्रुप के साथ साइन किया एमओयू। बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा देखा दो की 15% मुसलमान, 85% हिंदुओं पर है भारी। अगरतला में टीएमसी का बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सर्किट हाउस पर रोके गए प्रदर्शनकारी। बंगाल के दुर्गापुर में सीएम ममता का मनाया गया जन्मदिन, पूर्व विधायक प्रदीप मजुमदार और तृणमूल कांग्रेस नेता उत्तम मुखर्जी रहे मौजूद। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा के नए कैंपस का उद्घाटन किया। दिल्ली में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड का वितरण किया, 10 अधिकारियों को मिला कार्ड। तय समय पर होंगी सिविल सर्विस मेन परीक्षाएं, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से होगा पालन। दिल्ली के देव और चांदनी ने बदली जुग्गी के बच्चों की तकदीर, करीब 400 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाई का जिम्मा इस वक्त उठा रहे हैं। दोनों ने वॉइस ऑफ स्लम नाम से बनाई है संस्था, संस्था बेसहारा बच्चों को निखारने का करती है काम। हरियाणा में तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, स्वास्थ्य विभाग ने रोडवेज से मांगे 614 ड्राइवर। पन्ना टाइगर रिजर्व में आए नन्हा मेहमान, बाघिन ने दिया 2 शावकों को जन्म। दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवा ने बढ़ाई ठंड, अगले 48 घंटे में बारिश की आशंका।
लगातार बारिश से माता वैष्णो देवी भवन के पास भूस्खलन, बाल बाल बचे श्रद्धालु। गंगोत्री धाम में फिर से तेज हुई बर्फबारी, सैलानियों की मुश्किल बढ़ी। चंबा में भी ताजा बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, पारा लुढ़का। चक्राता की ऊंचाई वाले इलाकों में फिर शुरू हो गई है बर्फबारी, सैलानियों के आने से कारोबारी खुश। मंडी में बर्फबारी से आम लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, सैलानियों की मौज हो गई है। मनाली में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है, माल रोड पर मस्ती करते दिखे सैलानी। जनवरी में पहली बार जोजिला पास पर आवाजाही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने खोली सड़कें। लद्दाख में भारी बर्फबारी, तापमान -21 डिग्री पहुंचा। जम्मू कश्मीर के डोडा पुंछ में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है, रास्तों पर बर्फ जम गई है। लोकल सर्कल के सर्वे में 66% लोगों ने डेस्क जॉब के लिए वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य करने की वकालत की है। सर्वे का दावा है कि 98% लोगों को अभी भी ऑफिस में बुलाया जा रहा है। HDFC के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक जनवरी मार्च तिमाही में ओमिक्रॉन के असर से घट सकती है विकास दर, पहले 6.1% था मार्च जनवरी का ग्रोथ अनुमान। अगली मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला टल सकता है, ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर रेपो रेट में बढ़ोतरी से RBI के बचने का अनुमान। वर्क फ्रॉम होम के लिए HRA में कटौती समेत बाकी प्रावधानों के साथ जल्द ही नई नीति जारी की जाएगी। कच्चे तेल की कीमतों में $7 बैरल से ज्यादा की कमी के बावजूद तेल कंपनियों ने नहीं घटाए दाम। ब्रिटेन में विपक्ष के नेता स्टारमर कोरोना संक्रमित, पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 2,18,000 से ज्यादा मामले। अमेरिका में ओमिक्रॉन के चलते शिकागो के मेयर ने स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। क्रूज शिप में हो रहे कोरोना विस्फोट के बीच हांगकांग में क्रूज पर सवार हजारों यात्रियों की जांच की गई है। ऑस्ट्रेलिया के PM ने टेनिस स्टार जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने से पहले वैक्सीनेशन स्टेटस देने के निर्देश दिए। चीन की टेलीकॉम कंपनी चाइना मोबाइल के शेयर शंघाई डेब्यू में चढ़े, 6 घंटे के भीतर करीब 10% का उछाल। रोमांचक मोड़ पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग टेस्ट, भारत ने दिया 240 रनों का लक्ष्य। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर 118 रन, जीत के लिए चाहिए 122 रन। भारत की दूसरी पारी 266 रनों पर सिमट गई, पुजारा और रहाणे ने अर्धशतकीय पारी खेली। हनुमा विहारी 44 रन पर नाबाद, ऋषभ पंत समेत भारत के 3 बल्लेबाज 0 पर आउट। दक्षिण अफ्रीका के रबाडा, एनगिडी और जॉन सेन ने झटके 3-3 विकेट।